मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं एनआरआई एडमिशन प्रोसेस इन हिमाचल प्रदेश। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो हर एक चीज डिस्कस करूंगा जो कि आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए जरूरी है, जैसे कि यहां पर कितनी सीट्स हैं, क्या फीस है, यहां पर क्या लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी, इस साल हम क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी भी काउंसलिंग प्रोसेस है MBBS, BDS, BMS के लिए, वो सारा का सारा कंट्रोल किया जाता है बाय द अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी इन नेर चौक मंडी। तो इन शॉर्ट वी कॉल इट एज अमरू AMRU। तो जितना भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, जितने भी रूल्स हैं एडमिशन से रिलेटेड, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आपकी एलिजिबिलिटी तैयार की जाएगी, वो सब कुछ कौन करेगा? दैट विल बी डन बाय द अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर टोटल कितनी NRI सीट्स हैं। तो आपको स्क्रीन पर जैसे कि नजर आ रहा है कि देर आर टोटल 43 NRI सीट्स इन हिमाचल, जिसमें से मेजरली आप देखिए कि 20 सीट्स आर फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड रिमेनिंग 23 सीट्स इज फ्रॉम द MMU सोलन। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है, हर कॉलेज में बहुत थोड़ी थोड़ी सीट्स ही हैं। मेजरली सीट्स प्राइवेट कॉलेज में है, जो कि यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ NRIs को यहाँ पर एडमिशन दी जाती है। तो अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं यहाँ पर, तो देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ NRIs। मैं आपको पहले डिटेल में बता देता हूँ, फिर इसके बारे में हम शॉर्ट में देख लेंगे। तो डिटेल्ड में हम जैसे देख लेते हैं कि पहली कैटेगरी कौन सी NRI की। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि कैंडिडेट खुद NRI हैं, या उनके जो एक्चुअल पेरेंट्स हैं, मदर या फादर, वो NRI हैं। तो पहली कैटेगरी किनकी होगी? सेल्फ NRI कैंडिडेट्स, या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं वो NRI हैं। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जो पहली कैटेगरी है दैट इज फॉर द NRI कैंडिडेट्स, सेकेंड कैटेगरी इज फॉर द NRI स्पॉन्सर्स। तो यहां पर दो तरीके से हमारे बीच में कंपटीशन रहेगा सीट्स के लिए। पहली प्रायोरिटी दी जाएगी कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स को, यानी कि जो एक्चुअल NRI हैं या उनके पेरेंट्स NRI हैं। सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को। तो जैसे कि अदर स्टेट्स में आप देखने को मिलता है कि पहले वो अपनी स्टेट के NRI को प्रायोरिटी देते हैं, बाद में अदर स्टेट्स के अंदर देते हैं, यहां पर इस तरह का डिवीजन नहीं है। यहां पर बेसिकली क्या डिवीजन है, यहां पर वो एक एक्चुअल NRI देख रहे हैं और उसके बाद NRI स्पॉन्सर देख रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच रहे हैं, या उनको लग रहा है कि कोई उनका फैमिली मेंबर उनको स्पॉन्सर कर देगा, तो वो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि पूरी आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, मैं आपको साथ साथ बता भी देता हूं कि अगर आप कैंडिडेट का भाई या कैंडिडेट के जो भाई बहन है उनके बच्चे भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर है जो कि NRI है, या उनके बच्चे NRI हैं, तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, जबकि बहुत रेयर सिचुएशंस में ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आपके मामा NRI हैं या मामा के बच्चे NRI हैं, वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपकी मौसी NRI है या मौसी के बच्चे NRI हैं, वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। सेम इज द केस की भी अगर आपके चाचा या आपके ताऊ NRI हैं और या उनके बच्चे NRI हैं, चाचा या ताऊ या उनके बच्चे भी NRI हैं, तो वो लोग भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद आपके दादा दादी आ जाते हैं एंड नाना नानी आ जाते हैं, तो ये सारे लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर कोई उन्होंने प्रायोरिटी नहीं बनाई हुई कि अगर किसी को इस पर्टिकुलर फैमिली मेंबर से स्पॉन्सरशिप आ रही है तो उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। अगर आप कैटेगरी 2 में हैं तो वो देखेंगे सबसे पहले अपनी सीट्स फिल करने के लिए वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि क्या मेरे पास कैटेगरी 1 के अंदर कोई बच्चा है जो ये सीट लेने के लिए रेडी है। अगर कैटेगरी 1 के अंदर कोई बच्चा नहीं होगा, यानी कि प्रायोरिटी 1 के अंदर बच्चा नहीं होगा, तो वो सीधा प्रायोरिटी 2 में आएंगे और देखेंगे कि उस लिस्ट के अंदर जिस बच्चे के स्कोर हायर लेवल पर होंगे उसको वो सीट मिल जाएगी।
तो यहाँ पर ये दो तरह की एनआरआई कैटेगरीज हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एनआरआई स्पॉन्सर्स आपको बहुत मतलब कॉमनली देखने को मिल रहे हैं, बट बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन इसमें करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, बैक एंड पे बहुत सारे काम हैं जो कि आपको पहले से ही करके रखने होंगे। और हमें एक और चीज का भी ध्यान रखना है कि क्या जब अलॉटमेंट हुई तो क्या प्रायोरिटी टू के बच्चों को एडमिशन मिली, और क्या अगर उन्हें एडमिशन मिल भी गई, वॉज इट वर्थफुल, क्या उनके पास कोई सेम बजट में या हल्के से हायर बजट में उस स्कोर पर कोई बहुत बेहतरीन कॉलेज भी अवेलेबल था या नहीं था। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, है ना। आपको वो सब चीजें देखनी है, आपका पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है इसमें, तो हम उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हमेशा लेकर चलेंगे। बट अगर हम एनआरआई कैटेगरी में जाने वाले हैं तो ये सारी कैलकुलेशन हमें पहले से ही करनी है, बिकॉज एक बार आप एज अ एनआरआई इंट्रोड्यूस हो गए देन आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बजट की। तो हिमाचल प्रदेश एक बहुत लोअर लेवल पर बजट ऑफर करता है इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स। तो यहाँ पर जो आपका बजट है वो 20,000 USD पर एनम है। आपको 5 सालों तक ये फीस पे करनी है, जिसका बजट लगभग आपका 1,00,000 USD हो जाता है। दिस इज फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS के लिए जा रहे हैं तो 20,000 USD आपका पर एनम बजट बनेगा यहाँ पर। उसके अलावा जब आप बाकी सारे खर्चे ऐड करेंगे तो लगभग 4,20,000 रुपये टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में आपके हॉस्टल, मेस, अदर चार्जेस मिलाकर पड़ता है पूरे कोर्स के लिए। तो जब आप टोटल बजट ऐड करते हैं यहाँ पर 1,00,000 USD प्लस 4,20,000 रुपये इंडियन करेंसी के, तो आपका जो बजट है नियर अबाउट 90,00,000 के करीब रहेगा, 90,00,000 को एक्सीड नहीं करेगा। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप कैटेगरी से आते हैं या आप एक्चुअल NRI कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको बहुत लोअर बजट में NRI ऑप्शंस अपने घर के आसपास मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की, यानी कि जो एक ही प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे MMU सोलन के अंदर, तो वहां पर लगभग $42,159 पर एनम फीस ली जाएगी आपसे। 10% के इंक्रीमेंट्स लगेंगे, हॉस्टल में से उसके बाद एक्स्ट्रा लगेगा, तो लगभग $2,53,000 आपकी यहाँ पर फीस लग जाएगी। तो बहुत हायर एंड पे फीस है, किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं होती कोई गलती से यहाँ पे ले ले, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इतनी महंगी सीट ले ले तो बात अलग है, बट मोस्टली लोगों की जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो उसके बाद हम आगे लास्ट अपने पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि क्या थी लास्ट ईयर की कट ऑफ, और इसमें हम ये भी देखेंगे क्या प्रायोरिटी टू के बच्चों को कोई फायदा हुआ था या नहीं हुआ था, या उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतनी मेहनत करी। तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि काउंसलिंग से पहले आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ें चेक नहीं की जाती। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं, आप रजिस्टर कर लेते हैं, आपको कॉलेज अलॉट भी हो जाता है, बट जब आप कॉलेज पहुंचते हैं तो उस समय आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। तो जो आपने बैक एंड पे काम किया वो भी वेस्ट हुआ, आपका साल का भी नुकसान हुआ, अब आपकी कैटेगरी चेंज भी नहीं हो सकती यहाँ पर, तो बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं हमें। तो हमें, मैं इसमें आपको 100% रिकमेंड करता हूँ कि आपको किसी की प्रोफेशनल की हेल्प लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है, दैट इज IGMC शिमला। तो IGMC शिमला में जो लोअर एंड पर कट ऑफ गई थी दैट वॉज 388। तो दिस वॉज द लोएस्ट कट ऑफ फॉर द NRI कैटेगरी, एंड इसमें NRI स्पॉन्सर्ड्स को कोई भी सीट नहीं मिली थी, सारी की सारी सीट्स प्रायोरिटी वन कैटेगरी वन NRI कैंडिडेट से ही भर गई थी। तो अगर आप IGMC शिमला जा रहे हैं तो आप अगर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके चांसेस हैं दैट आर नियर टू जीरो, क्योंकि दो ही सीट्स हैं और कोई ना कोई NRI कैंडिडेट अवेलेबल हो ही जाता है इन दो सीट्स के लिए। फिर उसके बाद अगला कॉलेज हम देख लेते हैं, डेट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विच इज इन टांडा। तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ गई थी दैट वॉज 209, एंड अगेन
यहाँ पर कोई भी कैटेगरी टू का बच्चा नहीं था, यानी कि कोई भी एनआरआई स्पॉन्सर्ड बच्चा नहीं था। तो ये जो कट ऑफ गई थी, ये गई थी कैटेगरी वन, यानी कि जो एक्चुअल एनआरआईज हैं या जिनके पेरेंट्स एनआरआई हैं उनके लिए कट ऑफ गया था यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, विच इज इट्सेल्फ इन द यूनिवर्सिटी, अमरू यूनिवर्सिटी के अंदर ही है ये कॉलेज, मंडी नेर चौक में। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, सोचिए यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज रन हो रहा है तो किसी भी तरह की यहाँ पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो बहुत ग्रो भी कर रहा है ये कॉलेज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो लोएस्ट कट ऑफ थी, अगर मैं कैटेगरी वन एनआरआई स्टूडेंट्स की बात करूँ, दैट वॉज 185, वेरी लो फॉर अ वेरी गुड कॉलेज। एंड अगर आप कैटेगरी टू को बिलोंग करते थे तो फॉर दैट इट वॉज 514 वॉज द कट ऑफ फॉर द प्रायोरिटी टू स्टूडेंट्स, यानी कि जो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स थे उनके लिए बहुत हायर लेवल पर यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला था 514 का। तो 514 का स्कोर और आपका 90 लाख का बजट है ना, तो आपको यहाँ पर अपने और भी ऑप्शंस तैयार करके देख लेने चाहिए थे, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत एक तो हार्डवर्क करना पड़ा, बहुत डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़े, बहुत रिस्क भी लेना पड़ा। 514 के स्कोर पर आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए था, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। बट अगर थोड़ी सी R&D करी होती तो शायद कोई सस्ता ऑप्शन भी इससे या बेटर ऑप्शन भी आपको मिल सकता था। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णा मेडिकल कॉलेज, विच इज़ इन हमीरपुर। ये पहले बहुत छोटा कॉलेज था और अब बिल्कुल थोड़ा सिटी के बाहर ये बहुत ही बड़ा बेहतरीन कॉलेज बन चुका है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक अजूबा है। तो बहुत ही बढ़िया मेडिकल कॉलेज, बहुत ही सुपर डुपर हिट यहाँ पर पेशेंट इनफ्लो आपको देखने मिलेगा, बहुत बढ़िया कॉलेज है, ऑल इन ऑल गुड है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी वन के स्टूडेंट्स थे उनके लिए कट ऑफ था, दैट वाज 144 वाज द कट ऑफ फॉर कैटेगरी वन स्टूडेंट्स। और कैटेगरी टू स्टूडेंट्स के लिए द कट ऑफ वाज 238। तो मैं कहूँगा कि येस इट इज़ अ गुड डिसीजन कि इस स्कोर पर आपको अगर कोई इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल रहा है ना, और आपने उसके लिए सही प्लानिंग करी, सही टाइम के साथ गो किया, तो यस इट वाज अ गुड डिसीजन। बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिला, कोई बहुत हायर एंड पे बजट भी नहीं गया, 90 लाख का बजट गया। अगर आप बाकी ऑप्शंस भी देखते तो कहीं ना कहीं 80 और 90 लाख के बीच में ही आपको पड़ते। तो आई थिंक कि NRI स्पॉन्सर्ड यहाँ पर उनके लिए एक बहुत बढ़िया डिसीजन रहा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चंबा मेडिकल, चंबा के कॉलेज के बारे में। तो बहुत बेसिक है, कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच में, बट स्टिल अगर आपका स्कोर जो मैं अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आपको स्कोर में फॉल करते हैं तो अगेन आपके लिए वो बहुत अच्छा डिसीजन रहा। तो 164 वॉज द कट ऑफ फॉर द कैटेगरी टू स्टूडेंट्स। तो 164 पे 90 लाख के बजट में गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पर पेशेंट इनफ्लो बहुत बढ़िया है, या अगर आप यही सेम स्कोर लेकर आते तो आपका 100% जो बजट था वो 90 लाख से ज़्यादा ही रहने वाला था। तो अगर आप कैटेगरी टू में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप स्पॉन्सरशिप अरेंज कर सकते हैं और आप बैक एंड पे वो सारा वो काम करने के लिए तैयार हैं, तो आपको आज से ही ये काम शुरू करना होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो बजट है वो 90 लाख रुपये पड़ा और कॉलेज बहुत बढ़िया रहा 164 कैटेगरी टू स्टूडेंट के लिए। तो उसके बाद लास्ट कॉलेज आ जाता है, आई डोंट नो कि भी ये कॉलेज लोगों ने क्यों चूज़ किया, इतना महंगा कॉलेज और 214 के स्कोर पर ये कॉलेज लिया था। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत बढ़िया डिसीजन था, बट ठीक है जिस भी रीज़न से लिया। आई थिंक कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा होगा उनके बीच में या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रही होगी, तभी उन्होंने इतना महंगा कॉलेज चूज़ किया, जबकि इससे कम स्कोर पर लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेजेस भी लिए प्रायोरिटी टू के अंदर। तो इस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग बिल्कुल टाइमली लेकर चलना जरूरी है, एक टाइमली डिसीजन मेकिंग करना, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना, अपनी बजट प्लानिंग लेकर चलना, फाइनेंशियल प्लानिंग लेकर चलना और फिर आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत है बट करेक्ट इन्फॉर्मेशन सिर्फ हम आपको देंगे। तो अगर आप और भी ऐसे NRI वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।